हरिद्वार से खबर है जहां विश्व की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, इस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन है। पतंजलि योगपीठ फेस टू के श्रद्धालयम सभागार में संगोष्ठी, जिसमें कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल पहुंचे थे। उन्होंने इस संगोष्ठी का शुभारंभ किया। आचार्य बालकृष्ण ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में ये कार्यक्रम चल रहा है, एक संगोष्ठी यहां पर आयोजित की गई है, जिसका विषय है विश्व की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद। तो इस विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। तो समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार, साथ में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत यहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ में आचार्य बालकृष्ण ने भी यहां पर दीप प्रज्वलित किया और इस कार्यक्रम में समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी पहुंचे। तो आयुर्वेद किस तरह से चिकित्सा पद्धति आगे लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकती है, तो इस पर इस संगोष्ठी रखी गई है और इसका विषय है विश्व की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो भारत के ऋषि मुनियों की धरती पर आयुर्वेद का अपने आप में एक अहम स्थान है और जिस तरह से अब लोगों में आयुर्वेदिक को लेकर और ज्यादा दिलचस्पी बढ़ी है और लोग समझने लगे हैं कि आयुर्वेद अगर आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा तो कम से कम नुकसान तो वो नहीं करेगा, तो ऐसे में अब लोगों का जो रुझान है या लोगों का विश्वास है वो आयुर्वेद पर बढ़ने लगा है। तो इसी विषय को देखते हुए फिलहाल एक संगोष्ठी जो कि शुरू हो रही पतंजलि योगपीठ फेस टू।